Hi guys, today once again on my YouTube channel Pharma Hub. Today once again welcome to you on my YouTube channel Pharma Hub. तो guys, जैसे आपको पता है हम बात कर रहे हैं aerosols की, और जैसे कि आपको पता है कि last lecture में हमने बात की थी capsules की, जो हमारा topic चल रहा था capsules, हमने उसको bind up कर दिया है. तो अब हम बात करेंगे aerosols की. तो guys, आगे बढ़ने से पहले I request to you once again, if you are new on my YouTube channel, please subscribe, like and share, ताकि आने वाले हर video का notification आपको मिलता रहे. तो गाइस, आज हम बात करेंगे एरोसोल्स की. जैसे आपको पता है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम एरोसोल्स यूज करते हैं, जैसे कि आप ड्यू यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, वो सब एरोसोल्स ही आते हैं. एरोसोल्स से क्या हो, जैसे कि आपको पता है जो अस्थमा पेशेंट यूज करते हैं, इनहेलर यूज करते हैं, वो भी एरोसोल्स की प्रॉपर्टी में ही काम करता है. तो आइए हम जानते हैं एरोसोल्स के बारे में. तो सबसे पहले हम जानते हैं एरोसोल्स की डेफिनेशंस क्या होती है. डेफिनेशन क्या कहती है एरोसोल्स की. एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड गैसेस फॉर्म containing one or more active ingredient. इसने क्या कहा है, जो हमारे aerosols होते हैं वो क्या है, pressurized gaseous form है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा active ingredient होते हैं. जैसे कि हमने last lecture में कई lecture में बात की है active ingredients की, जिसको हम API भी कहते हैं, वो हमारा active ingredient होगा. फिर इसने क्या कहा कि which upon activation emit a fine dispersion of liquid or solid material in a gaseous medium. इसने क्या कहा है कि जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं, छोड़ते हैं उस फाइन पार्टिकल, जो क्या होते हैं, जो लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, इसकी फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में उनको बाहर की ओर फेंकते हैं. तो इसने क्या कहा कि प्रेशर इज अप्लाइड टू द एरोसोल सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ वन और मोर लिक्विफाइड प्रोपेलेंट. इसने क्या कहा, जो हमारे लिक्विड्स होता है, जो हमारा लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है, जब हम उसको एमिट करते हैं, जब पार्टिकल जब हम उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसने कहा है कि मतलब जो हमारे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो एरोसोल्स होते हैं, इसके क्या, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, लिक्विफाइड प्रोपेलेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, अपॉन एक्टिवेशन ऑफ द वॉल असेंबली, जिसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं, जिसको हम पहले से ही हमारा जो कंटेनर होता है एरोसोल्स का, उसके अंदर हम उसको मिक्सअप कर देते हैं, और उसके थ्रू जो हम जो हमारा प्रोपेलेंट होता है, उसके जब वो क्या करता है, वही प्रेशर बनाता है हमारा, जिसकी वजह से जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जो एरोसोल्स के ड्रॉपलेट्स होगी लिक्विड की, वो बाहर आएगी. फिर इसने क्या कहा, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोपेलेंट. इसने क्या कहा, जो हमारा प्रेशर, मैंने बताया आपको कि मतलब जो हमारा प्रोपेलेंट होता है वही प्रेशर एग्जर्ट करता है, एंड विच फोर्स द कंटेंट, और जो क्या हमारा जो कंटेंट है, उसके अंदर जो हमारा मेन प्रोडक्ट API है, उसको क्या करेगा, और API के साथ जो मिलाया है उनको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा उनको, जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे थ्रू द प्रोपेलेंट एंड थ्रू आउट ओपनिंग द वॉल. और जो हमारी ओपनिंग वॉल होती है, जो हमारी ऊपर दिखते हैं, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, जिसके थ्रू जो हमारे प्रोपेलेंट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल होते हैं, वो जो हमारी वॉल होते हैं, उसके थ्रू हमारा सा छोटा सा बारीक से छेद होता है, जिसके थ्रू हमारे जो प्रोपेलेंट होते हैं वो बाहर आते हैं. तो गाइस, उसको कहते हैं हम एरोसोल्स कहते हैं. जैसे आप ये डायग्राम यहाँ पे इससे देख सकते हैं आप, जो हमारा ये होगा, इसमें इसको क्या है, जो वेपर्स होंगे, जो हमारे हमारा लिक्विड है, हमारा जो प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट का मिल्क प्रोपेलेंट हमारा क्या होता है, प्रोपेलेंट हमारा दो कंडीशन में होता है, एक तो यहाँ से हमारा ऊपर भी हो सकता है, इसमें जो अगले टाइप टाइप पड़ेगा उसके हम प्रोपेलेंट की बात करेंगे आगे, और यहाँ हमारे नीचे भी हो सकता है प्रोपेलेंट. तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से, तो हमारा जो ये होगा यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ से उसके थ्रू हमारे ये प्रोपेलेंट के थ्रू एमिट हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा. तो ये प्रोपेलेंट का एक डायग्राम यहाँ पे शो किया है, जैसे दिखाया है सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का सॉल्यूशन होता है, और ये यहाँ पे उसके वेपर्स होते हैं जो गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, जैसे हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो गाइस, इस लेक्चर में हम डेफिनेशन की बात करेंगे, और हमने इसमें क्या कहा था, जो प्रोपेलेंट्स होते हैं हमारे थ्री टाइप के होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, स्पेस वाले स्पेस स्प्रे होते हैं हमारे, और सरफेस स्प्रे होते हैं हमारे, और थर्ड होते हैं हमारे फोम. तो गाइस, ये थ्री टाइप के हमारे स्प्रे होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसके टाइप्स ऑफ स्प्रे की. तो गाइस, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स के, और उसके फर्दर आगे स्टडी करेंगे एरोसोल्स की. तो गाइस, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग.